ये 1040 रुपए में ये सिंदूरी आलू है किसान भाइयों। इस तरीके रेट और ऊपर जाएंगे भी। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है माधव कोल्ड स्टोरेज मछिया आदमापुर में, और आज के वीडियो में बातचीत होगी आलू के भाव की, आलू के भविष्य पर। और बात की जाए तो इस क्षेत्र में श्रीनाथ आलू होता है, वो आलू की अगर बात की जाए तो इस समय यूपी के ज्यादातर जिलों में सबसे महंगा बिकने वाला आलू है। तो बातचीत करेंगे आज की, किस तरीके की निकासी कोल्ड में है, क्या भाव है और बिक्री क्या कोल्डों में लगातार चल रही। भैया सबसे पहले दिखा दीजिए थोड़ा बारंदे की स्थिति, बारंदे में किस तरीके कटाई है। इधर अगर देखेंगे तो इधर तरफ अगर थोड़ा देखेंगे तो इधर भी आलू की निकासी लगातार चल रही है और भराई भी चल रही है। तो शुरुआत करते हैं कोल्ड स्टोरेज हमारे मालिक से। सबसे पहले भैया अपने कोल्ड में भंडारण बताइए, कितने पैकेट का भंडारण हुआ था? 151,000 बोरी। 151,000 जी। अच्छा भैया इस समय की अगर बात करें तो कोल्ड में लगवा गया कितने पैकेट तक निकल गया होगा? भाई निकल गया होगा, कितना निकला होगा? 58,000 लगभग निकला। 58,000 जी। 58,000 पैकेट निकला, 151,000 भर्ती हुआ था। तो एवरेज अगर मानेंगे तो 5-15 लगभग 33-34-35% के आसपास निकल गया। तो ये निकासी है फिलहाल में, नया कोल्ड स्टोरेज है, पहली बार से है। अगर बात की जाए तो पिछली साल की तुलना में फिलहाल में निकासी बहुत बेहतर है कोल्डों में। तो भैया इस समय अगर बात की जाए कोल्डों में तो किसान क्या आ रहा है, बिक्री करने किस तरीके का माहौल क्या है कोल्ड में? ठीक है, किसान बेच रहा है, थोड़ा आलू सस्ता हुआ, अभी बीच में रुक गया किसान, अब आलू ठीक निकाल रहे हैं, किसान आ रहे हैं अभी निकल रहा है। हाँ तो निकलने में अभी फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, लगातार आलू निकल रहा है। हमारे साथ कोल्ड के अनुभवी व्यापारी हैं जो ज्यादातर इसी कोल्ड से ही लोडिंग करते हैं। तो भैया नाम बताइए, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह नाम है। श्याम सिंह भैया कौन कौन से आलू की लोडिंग करते हैं? सबसे पहले हम सिंदूरी और श्रीनाथ लाते हैं, दो आलू। हाँ अच्छा, श्रीनाथ पे हम चर्चा करेंगे। श्रीनाथ इस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में होता भी है, सिंदूरी भी होता है। जी जी जी। तो श्रीनाथ अभी तक क्या भाव इस समय आप आजकल में खरीद रहे हैं? कल 1140 रुपए लिया था हमने आलू श्रीनाथ। हाँ अच्छा, ऊपर में अगर बात की जाए बहुत अच्छा वाला आलू हो तो क्या भाव तक पहुंच जाएगा? 12.5 तक। 12.5 तक। अच्छा भैया सबसे घटिया वाला हो क्या भाव तक पहुंचेगा? वो मान लो 950,000 रुपया। 950,000। अच्छा भैया वही अगर सिंदूरी की बात करते हैं, सिंदूरी की क्या पोजिशन है? सिंदूरी 1040 रुपए हम कल ली थी। अच्छा नीचे में? नीचे में भाई 1000-1500। अच्छा भैया जिस तरीके से कोल्ड में लगातार आप देख भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, तो क्या किसान इस समय का रुझान है किसान का आलू बेचने पे, या आप लोगों किस तरीके का माहौल रहता है कोल्ड में? किसान मतलब कम आयु हो भाई, ज्यादा खूब आए ना आयु। अच्छा तो क्या आप लोग जैसे मान लीजिए गाड़ी बनाते तो बन जाती है क्या? हाँ बन तो जाते, जो आलू सब कटो पर हो ना अपनों लगातार चल रहा है, तो कुल मिला के गाड़ियाँ लगातार बन रही है, लोडिंग का काम चल रहा है। तो भैया आगे चल के डिमांड बताइए, क्या मार्केटों में डिमांड, आप लोग जहाँ आलू बेचते हैं वहाँ डिमांड है? डिमांड कुछ कम हुई है वहाँ, मतलब आलू भी नहीं जा रहा और मतलब महंगाई भी नहीं हो रही। मतलब आगे चल के अगर माना जाए आपको जहाँ 4 गाड़ी की डिमांड थी वहाँ कम है, 2-3 गाड़ी हो गए। दो गाड़ी है डिमांड का। तो हमें लग रहा है कि जो आलू के भाव में गिरावट है वो डिमांड कम होने का कारण मान रहे? कम होने का कारण। अच्छा भैया आप तो कितने साल से लगभग आलू का व्यापार कर रहे हैं? 5 साल हुई है। अच्छा लोग कहते हैं कि अगस्त और सावन के महीने में लगभग हर साल आलू के भाव में गिरावट आती है, तो क्या ऐसा सत्य है क्या? सत्य है बात जाता हूँ। तो अभी ये मान के चलिए कि कब तक कुछ उम्मीद है, क्या अनुमान है, वापसी कर सकती है बाजारें या यही बाजारें चलेंगी? वापसी कुछ मतलब है, 20 रुपया करंट आओ है अब 1-2 दिन में ही। अच्छा करंट आया है। अच्छा इस समय अगर बात की जाए तो कौन आलू में करंट आया है? बस सिंदूरी में भी है और श्रीनाथ में भी है। सिंदूरी श्रीनाथ दोनों में आ गया। अच्छा वही हाइब्रिड वगैरह या आईलैंड में बात करें इनमें कुछ आया करंट? उनमें भी कुछ है, आज 1100 रुपया मिलने लगी, आईलैंड बढ़िया आईलैंड थी। अच्छा भैया ने। अच्छा भैया आप बताइए क्या नाम है आपका? टिंकू यादव। टिंकू भैया आईलैंड आपने 1100 रुपए में लिया है? 1100 रुपए। अच्छा और ऊपर में अगर बात करें अच्छा वाला होगा तो कहाँ तक आपकी गुंजाइश में? 21 रुपया ले ली। 21 रुपया। अच्छा नीचे में हाईलैंड की क्या पोजिशन चल रही है? नीचे में 1050। 1050 ये। तो हमारे साथ देखिए कोल्ड के कर्मचारी भी हैं और दद्दा किसान भी हैं, दद्दा से बातचीत करेंगे। दद्दा नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बड़े लाल। अपना कौन गांव है? गाँवपुर साहिबगंज के पास है, लालपुर। लालपुर। अच्छा आप कोल्ड में लगातार काम तो कर ही रहे हैं कई सालों से, आलू भी 25 साल है, आलू भी गाड़ते होंगे? आलू गाड़ते। अच्छा इस साल जैसा कि कई किसान भाई अनुमान लगा रहे हैं कि ये साल 2020 जैसी है, हो सकता है कि 2020 जैसा माहौल रहे, अंदाज क्या लग रही है मालो आलू की स्थिति किस तरीके से देखते हैं? स्थिति खराब नहीं होगी, बिक जाएगा बढ़िया ढंग से। क्या चल रहा है जो बाजार है इस समय चल रहे हैं, लगभग यही चलेंगे या चलेगी या अक्टूबर में बढ़ भी सकता है? डाउन होने को चांस है? डाउन नहीं होना चाहिए, यही चलेगा। तो ये हमारे साथ है किसान से, किसान का कहना कि भैया डाउन नहीं होगा, और भी कोल्ड के कई व्यापारी हैं। आप बताइए भैया क्या नाम है? सद्दाम।
अच्छा भैया यही लोडिंग कर रहे हैं जी, तो आप बताइए क्या माहौल रहेगा आगे चल के? आगे चल के यही दिख रहा है कि जैसे कि रेट कम नहीं होगा, उम्मीद नहीं है। हाँ रेट जैसे और बढ़ के जाएगा। कितने साल होंगे आपको आलू का व्यापार कर? 3 साल है। अच्छा तो आपने 2020 का नहीं देखा होगा? हाँ 2020 में अपने पापा के साथ भी चलते थे, थोड़ा वो जैसे कि सब ध्यान है लेकिन इतना नहीं है जैसे कि जितना चल रहा है। अच्छा लोग जैसे कहते हैं कि 2020 में जो इस समय भाव है, इस समय 2020 में नहीं था, इस बार थोड़ा ज्यादा है, लोग कहते हैं अंदाज लगा रहे हैं। अब जब से हम व्यापार कर रहे हैं जब से पहली बार हम देख रहे हैं इतना रेट, हम तो नहीं देखा है। फिलहाल में अगर बात की जाए तो आलू में जैसे कि लगातार कई सालों से किसान मार खा रहा है, 2020 के बाद एक पहली ऐसी साल है 2024 जिसमें कहीं ना कहीं किसानों को आलू के दाम में कुछ मिल रहा है, माना जाए तो 3 साल का घाटा भी भैया क्या लग रहा है इस साल पूरा होगा कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, रेट और ऊपर जाएंगे भी जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा भैया आप तो लगातार मान लीजिए आलू के लाइन में रहते भी हैं, आलू का क्षेत्र भी है, तो क्या लग रहा है जैसे मान लीजिए जो भाव इस समय चल रहे हैं, अब कब तक उम्मीद है कि थोड़ा बहुत करंट कोल्डो में दिखने लगेगा? करंट स्टार्ट हो चुका है अभी, ज्यादातर कोल्डो में नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा आप। अच्छा 2-4 दिन में दिखेगा। अच्छा भैया अपने कोल्ड में अगर कुछ अंदाज लगाया जाए पर डे क्या इतना आलू कटता है या थोड़ा बहुत कम कटता है? कम ज्यादा हो जाता है, मान लें 1,500 कटता है पर डे। 1,000 मान के लिए 500-1,000 पैकेट हो जाता है। 1,500 पैकेट हो जाता है भैया कोल्ड में, तो थोड़ा दिखा भी दीजिए। ये आलू का भाव भी बता दें, ये श्रीनाथ आलू है और भैया का ही कटा हुआ है, तो भैया ये श्रीनाथ आलू क्या भाव की खरीद का है? पहले का आलू है 1,150 रुपए में दिया था ये पहले की। ये देखिए 1,150 रुपए में भैया दिखाइए, ये आलू लिया है भैया ने 1,150 रुपए में श्रीनाथ। अच्छा भैया उधर सिंदूरी भी अपना भरा गया, वो क्या भाव का भरा गया? जो 1,040 रुपए में दिया था ये भरा गया। ये देखिए इधर अगर देखेंगे तो ये 1,040 रुपए में ये सिंदूरी आलू है। किसान भाइयों इस तरीके की क्वालिटी है, तो ये आलू है और उसी तरीके जिस तरीके का आलू है उसी तरीके की बिक्री है। और फिलहाल में अगर कोल्डो में देखा जाए तो कोल्डो में लगातार आलू की निकासी निकल रही है, और जिस तरीके से हमने एवरेज आपको बताया 33-34% के आसपास निकासी है। भाव की अगर बात की जाए तो फिलहाल में कोल्डो में आलू के भाव में 10-20 रुपए का करंट नजर आने लगा है। तो ये स्थिति है माधव कोल्ड स्टोरेज की। आज की जानकारी पसंद हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।